दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज़ टीवी पर। सबसे पहले तो दिवाली का आज दूसरा दिन है, हमारे सारे जो दर्शक हैं, हमारे जो न्यूज़ चैनल के दर्शक हैं, उनको तहे दिल से दिवाली की बधाई देता हूं। आज मैं आपके सामने जब आया हूं तो आज एक बहुत ही गर्मा गर्म खबर लेकर आया हूं। यह जो खबर है यह गोंदिया ज़िले की ही खबर है। गोंदिया ज़िले के हर विभाग में, फिर वो चाहे शिक्षा का विभाग हो या फिर सार्वजनिक बांधकाम विभाग का जिला परिषद हो या सार्वजनिक बांधकाम महाराष्ट्र शासन का विभाग हो या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या तमाम जितने भी पनन महामंडल हो या आदिवासी विकास महामंडल हो, इनमें केवल और केवल गोंदिया ज़िले में भ्रष्टाचार की इबारतें लिखी गई है। यानी यूँ कहें तो उपन्यास के जितने पन्ने होते हैं वह भी इनके भ्रष्टाचारों की लालिमा लिखने के लिए कम मिल होगे। और ऐसे में ही एक बड़ी सनसनीखेज मैं खबर आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह खबर है सार्वजनिक बांधकाम विभाग जो जिला परिषद का है, वहाँ के ललित मुंदड़ा पर अब होने वाली है कार्रवाई। यह जो ललित मुंदड़ा है, यह प्रभारी जो अभियंता के तौर पर काम देख रहे थे, हाल ही में पिछले महीने की 30 तारीख को उनको सरकार की ओर से अभी फिलहाल तौर पर उनका रिटायरमेंट हो चुका है, वह कार्यमुक्त हो चुके हैं। लेकिन अब जो उन्होंने काले कारनामे किए हुए थे, वो काले कारनामे पर नागपुर की खंडपीठ में एक याचिका दाखिल की गई थी, दायर की गई थी। उस याचिका की सुनवाई होते होते अब उस पर गिरने वाली है, ललित मुंदड़ा पर गाज गिरने वाली है। ललित मुंदड़ा की होगी अब जांच और ललित मुंदड़ा ने कितने करोड़ों रुपए का गबन किया हुआ है इसका भी होगा पर्दाफाश। पूरा जो मामला है मैं आपको पूरा मामला बता देता हूं। यह पूरा जो मामला है, यह जिला परिषद के बांधकाम विभाग में जो फर्जी बिल निकालकर करोड़ों रुपए डकरने वाले जो प्रभारी कार्यकारी अभियंता ललित मुंदड़ा थे, उनके ऊपर नागपुर की खंडपीठ की उच्च न्यायालय में एक दाखिल याचिका में लगभग उन पर अभी सुनवाई शुरू हो गई है। और सुनवाई में यह देखा गया है कि जिला परिषद का जो बांधकाम विभाग है उसमें करोड़ों रुपए के फर्जी बिल दाखिल कर सरकार का जो निधि है, जो उन्होंने अपने घर का निधि समझकर जिस तरीके से उन्होंने उसका अपहार किया है, हेराफेरी की है, भ्रष्टाचार किया है, उसके ऊपर यह आज का हमारी पूरी विस्तृत खबर आपको हम बता रहे हैं। उप विभागीय अभियंता ललित मुंदड़ा एवं कनिष्ठ अभियंता जो टेंभुरनीकर है, उन्होंने दोनों ने मिलकर बड़े पैमाने पर फर्जी बिल लगाकर बहुत बड़े पैमाने पर सरकार के साथ धोखाधड़ी की है, जिसमें नागपुर की खंडपीठ में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि यह पूरे मामले की जांच कर तत्काल इन पर फौजदारी गुन्हे दाखिल किए जाए और सरकारी निधि जो इन्होंने जो गबन किया हुआ है उसको सरकारी खजाने में फिर से जमा किया जाए, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगाया गया था। सूरजलाल मारवाड़े ने यह याचिका दाखिल की हुई थी और यह याचिका जो है मैं आपको बता दूं कि जो पिछला जो दो महीने का कार्यकाल रहा, गोंदिया का जो तालुका भाजपा अध्यक्ष धन्नालाल ठाकरे के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक प्रतिनिधि मंडल सार्वजनिक बांधकाम विभाग के दक्षता विभाग एवं जिला परिषद के लघु विभाग के कार्यकारी अभियंता राउत सहित 5 अधिकारियों की टीम द्वारा की गई जांच के विस्तृत रिपोर्ट की प्रतिलिपि मुख्य कार्यालय कार्यपालन अधिकारी जो है जो जिला परिषद के अनिल पाटिल को प्रस्तुत की थी। उप विभागीय अभियंता ललित मुंदड़ा, इनके तरफ प्रभारी का पदभार दिया गया था मुख्य कार्यकारी अधिकारी का यानी कार्यकारी अभियंता का, उसमें जो कनिष्ठ अभियंता टेंभुरनीकर है, इन दोनों ने मिलकर जमकर बड़े पैमाने पर घोटाला किया हुआ था। उसके दौरान यह याचिका में कहा गया था कि इनके ऊपर तत्काल फौजदारी गुनाह दाखिल किया जाए और सरकारी निधि को जो है नियम से इनसे वसूल किया जाए, इसकी मांग की गई थी। इसके आधार पर कई जो बिल थे, जो कई फर्जी बिल जोड़कर जो काम वास्तविकता में हुए ही नहीं थे गोंदिया ज़िले में, उन कामों को पूरी तरह से बन गए हैं कर बताकर इन्होंने जिला परिषद में बड़े पैमाने पर घोटाला किया हुआ था। यह घोटाले में 2 करोड़
के रास्ते में बिना जो निर्माण किया हुआ 1-2 करोड़ का रास्ता था, जिसमें इन्होंने फर्जी बिल लगाकर 30 लाख रुपए केलझर तीर्थ क्षेत्र जो है उसमें बगैर निर्माण किए 10 लाख रुपए, सड़क निर्माण के बोगस बिल बनाकर इन्होंने फर्जी बिल बनाकर इन्होंने ये निधि का अपार किया था। स्थानीय भाजपा के जो सांसद है अशोक नेते एवं तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री जो उस समय की जो मौजूदा सरकार थी उसमें अशोक चव्हाण के निर्देश पर सार्वजनिक बांधकाम मंडल के दक्षता विभाग एवं जीप के लपा विभाग के कार्यकारी अभियंता राउत सहित 5 अधिकारियों की एक टीम को गठित किया गया था, जिसमें 1 करोड़ रुपए के शासकीय निधि का गबन का रिपोर्ट सामने आया हुआ था। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो अनिल पाटिल है उनके एक भ्रष्टाचार की यह विस्तृत जांच के लिए उन्हें देने के बावजूद मुंदड़ा पर अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं थी, लेकिन जो जनहित याचिका यानी जो याचिका दायर की गई थी उस याचिका में कहा गया है कि ललित मुंदड़ा का जो पेंशन है और भविष्य निर्वाह विभाग में जो भी उनका निधि जमा होता है उस पर रोक लगा दी गई है, और अब इस पूरे मामले में कौन कौन से फर्जी बिल लगाकर इन्होंने कौन कौन से रास्तों में पैसा उठाया हुआ है और ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी अभी जो जांच टीम अभी जो गोंदिया ज़िले के दौरे पर है MNS की टीम वह पूरी तरह से ये सारे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेगी। दर्शकों मैं बता दूं आपको कि यह जो फर्जीवाड़ा होता है यह फर्जीवाड़ा एक अकेला जो अधिकारी होता है वह नहीं करता, तो उसके साथ एक पूरी लॉबी होती है, पूरी टीम होती है और वो टीम ये पूरे फर्जीवाड़े को ये करती है। दूसरी खबर की ओर अभी रुख करते हैं। मैं एक हमारे पास और एक बड़ी खबर आ रही है, यूपी में नाबालिग से दरिंदगी का एक मामला उजागर हुआ है। घर में घुसकर किशोरी का मुंह दबाकर बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है और उस लड़की को भेड़ियों की तरह ये दुष्कर्म किया गया है, ऐसा मामला जो है वह यूपी के थाने में दर्ज हुआ है। बलहार क्षेत्र का एक गांव है, घर में घुसकर किशोरी से 2 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया हुआ है। आरोपियों को जाति सूचक शब्दों में आरोपी ने अपमानजनक करते हुए उसे गालियां दी हुई है। घटना की जानकारी किसी को देने पर किशोरी को जान से मारने की भी धमकी दी गई है। लगभग यह जो मामला है इसकी इस पूरे मामले की जो जांच के लिए सूचना तलब की गई थी 112 नंबर की पुलिस टीम को। पुलिस टीम जो है वो घटना स्थल पर भी पहुंची थी, लेकिन पीड़िता के परिजनों को थाने में जाने के बाद कहकर चल गई थी। घटना 18 अक्टूबर के देर रात शाम की है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और उनके खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का जो केस है वह भी दर्ज कर दिया हुआ है। शनिवार को पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। पीड़िता की मां का आरोप है कि उसकी 16 वर्षीय बेटी पर गांव के 2 युवकों ने बुरी नज़र रखने के हेतु से बेटी के आते जाते समय को रास्ते में गलत हरकत करी है, ऐसा उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है। विरोध करने पर अशब्द कहते हुए जो दुष्कर्म करने वाले अपराधी है उन्होंने उसे जान से मारने की भी धमकी दी है। आरोपियों को 18 अक्टूबर की शाम को 6:30 बजे उसी के बेटी पर घर अकेले थी, उस दौरान आरोपी ने उस पर जो ये दौर मैंने जो आपत्तिजनक जो हरकत की है और उसके साथ दुष्कर्म किया हुआ है। आरोप है कि उसकी बेटी का मुंह दबाकर बारी बारी से दुष्कर्म किया गया, धमकी दी गई थी उसे जान से मारने की। अचानक माँ घर पहुंची तो बेटी ने उसे सारी बात बताई, जिसकी सूचना 112 नंबर की जो पुलिस की जो टीम है उसको दी गई थी, लेकिन अभी तक अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। गाजियाबाद की एक खबर है जिसमें दुष्कर्म करने वाली जिस पर दुष्कर्म हुआ था पीड़िता पर उसी को गिरफ्तार किया जा रहा है। यानी अब जो मामला मैं आपको बता रहा हूँ वह मामला थोड़ा सा गाजियाबाद का हटकर मामला है। पीड़िता ने झूठा आरोप लगाया था, अब पीड़िता को गिरफ्तार किया जा रहा है, दुष्कर्म का आरोप लगा था। दिन में GT अस्पताल में हुई थी डिस्चार्ज। गाजियाबाद में नंदीग्राम क्षेत्र में आने वाले के साथ सामूहिक बलात्कार दुष्कर्म किया गया, ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाने वाली नर्स को शनिवार को शाम को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके पहले दिन में उसे दिल्ली के GT अस्पताल में डिस्चार्ज किया गया था।
अस्पताल के अधिकारियों के सूत्रों के अनुसार उसकी हालत में अब सुधार हो चुका है। पुलिस उसे अब अस्पताल से डिस्चार्ज होने से ही इंतजार कर रही है। दिल्ली के नंद नगरी निवासी नर्स 38 को 18 अक्टूबर सुबह 7:30 बजे भर्ती कराया गया था, जहां अस्पताल के प्रोटोकॉल के अनुसार उसे पूछताछ व इलाज किया गया। उसे शनिवार 22 अक्टूबर को डिस्चार्ज किया गया, जिसके बाद उसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने लगभग 2 व्यक्तियों पर सामूहिक बलात्कार का झूठा मामला दर्ज किया था और इस झूठे मामले के आधार पर, कहानी के आधार पर जब उसकी सच्चाई सामने आई तो अब पुलिस ने जो पीड़िता है उसे ही गिरफ्तार कर लिया है। जिला तथा सभी देशवासियों को माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला तथा सभी देशवासियों को माननीय राजेंद्र जैन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय सचिव की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही है MNS News TV पर।